हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम बनाने वाले हैं ये प्यारा सा फ्रॉक जो मैंने 6 मंथ बेबी के लिए बनाया हुआ है। और ये मैंने ना कब से गूगल में देख करके रखा हुआ था, बट मैं बना नहीं रही थी, तो फाइनली आज मैंने ये से बनाया है। इसे बनाना बहुत ही ईजी है। अगर आप बिगनर हो ना स्टिचिंग में तो भी आप इसे बना सकते हो, बहुत ही ईजी वे में मैंने आपको बताया है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको ये फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। यहाँ पे ना मैंने अस्तर में क्रेप फैब्रिक लिया हुआ है, 1/2 मीटर काफ़ी होगा और नेट आप जितना ज़्यादा ले सकते हो। यहाँ मैंने 1.5 मीटर लिया है, बट थोड़ा और ज़्यादा मुझे लेना चाहिए था, बट चलिए इसी में बना लेंगे। तो जो हमारा अस्तर है ना, उससे मैंने 14 इंचेस विथ और इसकी जो लेंथ है ना, मैंने 13 इंचेस ली हुई है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, नीचे की साइड को ना फोल्ड कर लेना है और ऊपर की साइड हमें क्या करना है ना, इस तरह से हम यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे पूरे में। और इस तरह से मार्किंग देने के बाद हम पहले इसे लाइन को सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। तो इस लाइन को इसे सीधा करने के बाद ये जो हमारी मार्किंग है ना, इसी मार्किंग पे इस तरह से हमें इसे फोल्ड करके सिलना है। तो यहाँ देखिए, नीचे की साइड को फोल्ड कर लिया और ऊपर भी हमने जैसे मैंने आपको बताया था वैसे फोल्ड कर लिया है। अस्तर को साइड कर लेते हैं। हमने नेट को भी 14 इंचेस का कट किया है, मतलब ये हमारा 1.5 मीटर था और मैंने इसे 2 पीस में कट किया है। मीन्स टोटल इसकी जो घेर आएगी ना, वो 3 मीटर की आएगी। और अब ऊपर की साइड में हमें इसमें फ्रिल बनाना है जितना हमारा अस्तर है। ठीक है, 30 इंचेस का था, उतना ही चाहिए हमें यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसमें फ्रिल बना लिया है और अब हमें अस्तर को लेना है जहाँ पे हमने 1.5 इंच का मार्जिन से सिला था ना, उस साइड को मैं अपने साइड पे रख रही हूँ। इसके ऊपर हम अपने नेट को रखने वाले हैं। नेट थोड़ा सा हमारा जो फ्रिल है वो कम है, तो इसे मैं बढ़ा लूँगी अभी सिलाई में। और इसे हम ऊपर के साइड पे इस तरह से स्टिच कर लेंगे। बैक साइड से मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ऊपर में बिल्कुल हमें स्टिच करना है। अब इसके बाद इसे बराबर करते हुए जो सेकंड सिलाई हमने दी थी ना, उसी सिलाई पे इसे इस तरह से सिल लेना है। ठीक है, और अब जो बीच का मार्जिन हमारा रह गया है ना, इसमें हम ये पतली वाली जो इलास्टिक होती है वो लेंगे। तो यहाँ मैंने 15 इंचेस का इलास्टिक लिया हुआ है और इसे अब हम पिन की हेल्प से जो हमारा जो मार्जिन छूटा हुआ है उसमें हम इसे डालेंगे। एक साइड से दूसरे साइड तक इसे हम निकालेंगे। तो देखिए, एक साइड से दूसरे साइड से मैंने इसे निकाल लिया इस तरह से और दोनों साइड से पहले इसे सिल लेना है। सिल लेने के बाद दोनों साइड को इस तरह से हम एक पे एक रखेंगे। सबसे पहले हम अपने नेट को पहले सिल लेंगे और उसके ऊपर हम अपने अस्तर को अलग से सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से, सो कुछ इस तरह से आएगा। अब हम इसे सीधा कर लेते हैं पहले। ये देखिए सीधे साइड में कुछ इस तरह से आएगा। और अब हम ऊपर में, ये देखिए इलास्टिक बिल्कुल हमने इतना ही रखना है कि कुछ ज़्यादा टाइट ना हो। और अब हम इसकी स्ट्रैप बनाने वाले हैं। तो यहाँ मैंने जो क्रेप फैब्रिक लिया था ना, उससे 2 पीस हमने इस तरह से कट कर लिया है। लेंथ वाइज इसे हमने 7 इंचेस का रखा है। 6 इंचेस ये बन के रेडी होगा, 1/2 इंच दोनों साइड पे सिलाई हो जाएगा। और इधर से ये हमने रखा है 3 इंच का। अब एक एक करके ना दोनों को हम इस तरह से पहले फोल्ड करके एक साइड पर सिलाई लगा लेंगे और फिर इसे सीधा कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इसे सिलाई करके मैंने इस तरह से इसे सीधा कर लिया है। और अपने हमने नेट को यहाँ पे एक पीस हमने कट किया है, लंबी सी पट्टी है ये, और ये हमने 3 इंच का रखा है। इसमें भी हमें फ्रिल लगानी है, सेंटर से हमें सिलाई लगाते हुए इसमें फ्रिल देना है। तो यहाँ देखिए मैंने फ्रिल लगा करके इसे 2 पीस में कट कर लिया है। और अब हम अपने स्ट्रैप पे इसे रख करके सिलेंगे इस तरह से। दोनों साइड से एक्स्ट्रा जो हमारा नेट है ना, उसे मैंने छाट लिया है। और अब हम अपने फ्रॉक को लेंगे और इसे इस तरह से इस पर लगाना है। तो हमें कैसे लगाना है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। एक साइड पे जो सिलाई है ना, उसे आप साइड पे अच्छे से रख लीजिएगा और दोनों साइड पे हमें यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन देते हुए सिलाई करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पे इसकी सिलाई लगा लेंगे और यहाँ पे आपका बेबी फ्रॉक बनके रेडी हो जाएगा। बहुत ही इजी वे में आप ये फ्रॉक बना के रेडी कर सकते हो।
सो होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है ना तो जाके कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। सो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।